विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, क्लोज स्टांस, एक साथ पैरेलल स्टांस, वेरी गुड, पैर की दूरी बढ़ाओ भाई, पैरेलल स्टांस। अब हम लोग पैरेलल स्टांस में आ गए हैं। अब आपको करना है वॉकिंग स्टांस, एक वेरी गुड। वॉकिंग स्टांस में हम लोग लेफ्ट वाला पैर पहले निकालेंगे, एक कदम आगे निकालेंगे, दोनों हमारे पैर एकदम सीधे रहेंगे और मुट्ठियां हमारी रहेंगी कमर पर रहेंगी, ठीक है, जैसे थे। फॉरवर्ड स्टांस, वन टू थ्री फोर, अब बैकवर्ड में जाएंगे, वन टू थ्री फोर, जैसे थे आराम से। अब बच्चे आप लोग क्या करेंगे, अब सब बच्चे एक साथ में आराम से हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ, सही बच्चे, एक साथ में विश्राम, सावधान, क्लोज स्टांस, सभी एक साथ पैरेलल स्टांस, बहुत सही। वॉकिंग स्टांस में वन टू थ्री, ये फॉरवर्ड डिस्टेंस में आ गए, ठीक है, अब बैकवर्ड में जाएंगे, वन टू थ्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत जल्दी सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे राइडिंग स्टांस, क्या सीखेंगे, राइडिंग स्टांस। राइडिंग स्टांस में क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है किस पर, पैडल स्टांस में आना, ठीक है, हम लोग पैडल स्टांस में आ गए, पैडल स्टांस में आ गए। अब यहां से देखिए, इसमें एक कदम या एक पैर का फासला था, लेकिन राइडिंग स्टांस में दो दो पैर के बराबर या दो पैर से ज्यादा हमें दूरी पर अपना पैर रखना होता है। कितने पर रखना होता है, ज्यादा, जैसे हम बनाएंगे कैसे, देखिए पैर दिखाओ, अभी अभी ऐसे है, देखिए ये क्या है, क्लोज स्टांस है, क्लोज स्टांस से हम लोग बनाएंगे राइडिंग स्टांस। तो कैसे बनाएंगे देखे जरा, एक हो गया, एक हो गया, अब एक और यहां से, दो हो गए, दो हो गए, अब इसके हमें यहां पर आते, ठीक, ओके, यस सर, इस तरीके से पैर रहेंगे, क्लियर, यस सर। अब हम ऐसे भी इसको रख सकते हैं वहां पे, लेकिन हमें ऐसे अंदाजा नहीं कितनी दूर हम जाएंगे, गए दूसरा यहां से और इसको सीधे से, ये क्या हो गई राइडिंग स्टांस। क्लोज स्टांस में हमें क्या करना, पंजा उठाना है, एड़ी नहीं उठानी, हमने इसको घुमा दिया 90 एंगल पे, एक पैर हो गया, अब हमने पंजे को रखना है, एड़ी को उठाना है, हमने इसको सीधा कर दिया, एक पैर हो गया, अब फिर से पंजे को उठाना, एड़ी को जमाना है, हो गया, दो हो गए, एक इधर गया था, फिर एक उधर गया, अब हमें क्या करना है, पंजे को जमाए रखना है और एड़ी को उठाना है, सीधा कर लिया, अब इस पैर के समानांतर हमें इसको लेके आना है, ठीक, ये पोजीशन हो गई है राइडिंग स्टांस की, किसकी हो गई है, राइडिंग स्टांस की। और हमें अपने क्या करना है, अब हाथ हमारे वॉकिंग स्टांस वाली पोजीशन में होंगे कमर पर, ठीक है, मुट्ठियां बंद होकर के कस के यहां पर, जब वन का कमांड होगी, वन की, वन, दूसरा वाला कहां गया, पीछे, ठीक है, कैसे, वन टू, वन टू, वन टू, इस तरीके से इसका अभ्यास करना है। और जब इसकी राइडिंग करेंगे, जब इसको चलेंगे, इसमें आगे जब हम लोग सीखेंगे, अभी तो हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप सीखे तो वो समझ में आएगा, सबसे पहले हम लोग इतना सीख लें, फिर इसमें करना क्या है, इसको नी को बेंड करना है, इसको घुटने को झुकाना है और पूरा शरीर हमें ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये रही पोजीशन,
सरपंच जैसे थे लाइन सीधी करो अपनी अपनी हाँ अपर पंच क्लोज स्टांस में आ जाए राइटिंग स्टांस बनाइए दो कदम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हाथ कहां पे आ जाएंगे कमर पर ठीक है ये हमारी खड़े होने की राइडिंग पोजीशन है कौन सी पोजीशन है इसको बोलते हैं राइडिंग स्टांस ठीक है राइडिंग स्टांस ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे वन पर लेफ्ट वाला जो हाथ है उसको घुमा करके जैसे मैंने बताया था ले जाना है कैसे मारना है हाँ वन और दूसरा वाला हाथ हमारा पीछे हो जाएगा ठीक है हाँ जब वन होगा तो लेफ्ट वाला और टू होगा तो राइट वाला ठीक है राइडिंग स्टांस में वन वहीं रोक के रखो टू थ्री फोर फाइव जैसे थे फिर से आप क्या करेंगे इसको लेके जाएंगे वापस लाएंगे भाई ठीक है आपको आप बताने के लिए ऐसा किया था मैंने वन वेरी गुड टू देखिए अभी फिर से करना जरा देखिए फिर से रोक के रखना वन हाँ बहुत अच्छा और थोड़ा सा खींच के है ना अभी जानते के लिए और भी जैसे हाँ प्ले करो जैसे कि अभी आपको कमांड मिला है वन और मैंने क्या किया मैंने इसे वार किया किसी चीज से ठीक है मैंने वार किया वन आपको वन था कौन सा फिर से ठीक है वन बच गई ये मैंने इसे वार किया सिर पर इसने बचा लिया फिर से देखिए वन वन बच गई ठीक है इसी तरीके से अभी जैसे इस साइड से आ गया इस साइड से कोई आ गया टू टू तो ये इसलिए होता है ये ठीक है चलिए आप फिर से करेंगे इसे मजबूती के साथ क्लियर हुआ सबको यस सर इसमें आपको बस करना इतना और है कि थोड़े से घुटनों को इसमें झुकना पड़ता है थोड़ा सा हाँ कमर अपनी कमर को नहीं घुटनों को थोड़ा सा झुकाना पड़ता है बस ऐसे करके थोड़ा सा है ना हाँ वन टू वन टू वन टू कहाँ जा रहा फिर से करो अच्छा आप अकेले करना ठीक है वन टू हाँ इसको थोड़ा सा और खोलो ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ठीक है स्पीड में ठीक है चलिए फिर से करेंगे सब बच्चे वन तेज आवाज बुलंद आवाज टू नहीं गलत बात वन और टू का ध्यान रखो वन पे आपका लेफ्ट वाला और टू पे राइट वाला जिससे क्या होगा आप लोगों को समान अभ्यास मिलेगा एक जैसा अभ्यास अगर करना है तो फिर एक जैसा चलना होगा ठीक है एक साथ करेंगे वन टू वन